शुभ संध्या दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ भूली बिसरी यादें लेकर अपनी। तो आज जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो मेरे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि वो मेरी लाइफ का ऐसा दिन था जिस दिन मैंने महसूस किया कि शायद ये आज का दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन है। तो उस दिन मैंने लाइफ से यही सीखा कि लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस, ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बात है उन दिनों की जब मैं 9th या 10th में पढ़ती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर 9th या 10th में पढ़ती थी मैं ना। तो जब छुट्टियां होती थी ना, जैसे संडे पड़ गया बीच में, सैटरडे संडे या जब स्कूल की छुट्टी होती थी, तो होता ये कि बच्चे लोग जो होते हैं पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो मैं और मामा चले गए जंगल में अपने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरबीन जंगल में, आसपास के जंगल में, घर के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा दूरी पर, जहाँ पे हम रेगुलर अपने पशुओं को चराने ले जाते थे और घास लकड़ी वगैरह जैसे हम जंगल से इकट्ठा करते हैं अपने। तो हम चले गए कश्ते लेने। अब जिनको नहीं पता है कश्ते क्या होते हैं, जो चील के पेड़ में होते हैं ना, तो क्या बोलते होंगे उनको, हिमाचल में तो कश्ते ही बोलते हैं आई थिंक, तो पहाड़ी लोग तो समझ जाएंगे। चील के पेड़ में होते हैं, लगे छोटे छोटे, उनको डेकोरेट भी करते हैं ना, डेकोरेशन करके, मतलब डेकोरेट करके ना उनको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो चील के पेड़ में होते हैं उनको जलाने के लिए यूज़। मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी है कष्ट, जिन लोगों को नहीं पता है जो हिमाचल से नहीं है, तो उसको जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम गए, मैं और मम्मा चले गए कष्टे लेने जंगल में। तो हम अलग अलग हो गए थोड़ी सी दूर जाके, तो अपने अपने कट्टे ले गए थे हम, थैले जो भी आपने समझना हो। तो क्या हुआ कि उस टाइम जो है गद्दी लोग भी, जो गद्दी आते हैं ना, जब ज़्यादा ठंड हो जाती है, ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, तो निचली साइड, निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं हमारे घर में, घर में नहीं मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जंगल में आ जाते हैं क्योंकि भेड़ों को चरने के लिए फिर ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है ना, कुछ होता नहीं, तो निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे जंगलों में भी गद्दी आए हुए थे, पर मेरे को पता नहीं था, हम दोनों को ही पता नहीं था, मम्मी को ना मेरे को। तो क्या हुआ, जैसे मैं ढलान पे थी ना नीचे, और कश्ते उठा रही थी अपने, उसमें कट्टे में डाल रही थी, तो क्या हुआ कि जैसे पहाड़ियाँ होती ना, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती, हमारे पहाड़ी में तो बोलते हैं ढालियाँ, तो ऊपर ढाली पर जो मैं ढलान पे थी, और ऊपर ढाली पे जो 8 या 10 कुत्ते ना, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कितने थे, लेकिन 8 से ज़्यादा ही थे वो कुत्ते ना, इतने ख़तरनाक कुत्ते, इतने बड़े बड़े कुत्ते, जैसे बब्बर शेर होते हैं ना बिल्कुल वैसे, लंबे लंबे उनके बाल और इतनी इतनी उनकी हाइट, बहुत ऊंचे ऊंचे थे वो, क्योंकि जो गद्दी लोग होते हैं वो मैक्सिमम टाइम तो जंगलों में ही रहते हैं, तो उनके कुत्ते बहुत ही शिकारी कुत्ते होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। और तो वो लोग 8 या 10 कुत्ते, क्या हुआ कि मुझे देख के ना मेरी साइड को दौड़े, नीचे को, नीचे की ओर। तो जैसे मैं ढलान पे थी, तो वो ऊपर से हाइट से मेरी तरफ को दौड़ते हुए आ रहे थे नीचे मेरी साइड को, मेरे को देख के भौंकते हुए, जैसे होते ना कुत्ते एकदम से अग्रेसिव से हो जाते हैं, वैसे अग्रेसिव हो गए वो मेरे को देख के और मेरी ओर भाग रहे थे। तो क्या हुआ कि मम्मी काफ़ी दूर चले गए थे, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो जब कुत्ते मेरी साइड को भाग के आए ना मुझे खाने के लिए तो एक सेकंड के लिए तो ना मेरा दिमाग ही स्टक हो गया, मतलब मेरे दिमाग ने ना सोचना ही बंद कर दिया था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब हो जाता ना एकदम से कुछ गलत होने वाला हो ना हमारे साथ, तो कई बार दिमाग ही बंद हो जाता है काम करना। तो क्या हुआ कि मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि अगर तो मैं भागती हूँ तो ये कुत्ते तो इतनी स्पीड में मेरी तरफ आ रहे हैं ना, तो ये तो मेरे को पकड़ ही लेंगे और इतनी बेरहमी से खाएंगे मेरे को, मतलब मैं इमेजिन लगी थी करने दिमाग में।
और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता कि शायद आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है। पर मैं ये भी सोच रही थी कि भगवान जी इतनी गंदी मौत, ना 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 ना, दिमाग में चलता है ना ऐसे ख्याल। बस एक ही ख्याल आया था बस मेरे मन में कि ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उतने को तो कुत्ते मेरे पास ही पहुँच गए थे, मतलब। तो जैसे होता है ना, हड़बड़ाहट में हम अपने आसपास देखते हैं ना, कोई पत्थर था वहाँ पे और ना ही कोई डंडा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे ना। तो जैसे टमाटर लगाने के लिए किसी झम्बे काटे होंगे ना वहाँ पे, झम्बे मतलब चीड़ का पेड़ था किसी ने वहाँ काटा हुआ। तो मैंने वो उसका एक डंडा, वो हरा ही था, उसमें जो पाइन लीव्स होती है ना, श्रावण, हमारे श्रावण बोलते हैं सोलन में, और सिरमौर में बोलते हैं बछाड़, बछावल या बछाल जो भी। तो वो भी उसमें हरे थे, तो डंडे उठाए नहीं जा रहे थे, वो बहुत भारी थे ना क्योंकि उसको काटा बन था ढंग से। तो मैंने वही उठा लिया, एक चील की लकड़ी का डंडा सा। और तो उन्होंने क्या किया कुत्तों ने, कि उन्होंने घेरा बना लिया ना, जैसे मैं बीच में थी अपना कट्टा उठा के, कट्टा तो मैंने नीचे रख दिया था डर के मारे, पर वो हाथ में डंडा था, मैंने काफ़ी बड़ा था वो उठाया हुआ। तो राउंड राउंड हो गए मेरे गिर्द, मेरा घेरा बना के ना कुत्ते खड़े हो गए, और सॉरी, तो कुत्ते भौंक भौंक के ना मेरे ऊपर कूद ही जा रहे थे, उछलने की कोशिश कर रहे थे मतलब। और मैं उनको फिर भगाने के लिए उनको डंडा दिखा रही थी, जैसे हम बोलते ना पहाड़ी भाषा में, धूर धूर कर रही थी मैं उनको। तो जितने अग्रेसिव होके वो मेरे को डराने की कोशिश कर रही थी, उतने अग्रेसिव होके मैं उनको डराने की कोशिश कर रही थी। और मेरे को ये पता नहीं था कि किस पल ये मेरे ऊपर हमला बोल दे, पर वो घेरा डाल के भोंकते रहे मतलब मेरे ऊपर, बार बार उछलने की कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर। तो क्या हुआ कि मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, बीच बीच में मैं मम्मी को आवाज़ लगा रही थी डर के मारे ज़ोर ज़ोर से कि मम्मी मम्मी, पर मम्मी सुन नहीं रही थी, मम्मी शायद काफ़ी दूर चल गई थी। पर एटलीस्ट मम्मी 5 या 6 मिनट बाद, 10 ही मिनट हो गए उन्हें शायद, तब सुनी मम्मी कहीं जाकर। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि ऐसे ऐसे कुत्ते कि मेरे पास आ गया, मैं क्या करूँ, जल्दी आओ भी मेरे पास। तो मम्मी मम्मी ने ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू किया ना जैसे उनको, फिर भी वो भाग गई नहीं, और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे वो कुत्ते। तो मम्मी फिर भाग भाग के गए परली साइड, मतलब जो हमारे जंगल होते हैं ना वो प्लेन इलाकों की तरह नहीं होते हैं कि आस आमने सामने कुछ दिख जाए, आपको पता है ये पहाड़ी इलाका होता है। तो पहाड़ियों के पीछे गई मम्मी, जहाँ पे गद्दी लोगों ने डेरा डाला हुआ था। फिर मम्मी ने उनको आवाज़ लगाई कि अपने कुत्ते पकड़ो, जैसे मेरी बेटी है नीचे। तो फिर कहीं जाके वो अंकल जी आए और एक भैया से आए उनके साथ। फिर उन्होंने ऊपर से कुछ आवाज़ लगाई उन कुत्तों को, क्योंकि उनके अपने अपने नाम रखे होते हैं ना कुत्तों के, और शायद उन कुत्तों को हमारी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। तो वो उनके बुलाने पे सारे कुत्ते वापस चले गए एकदम से, और शांत भी हो गए। और मैं तो हैरान ही रही देख के। पर उस दिन ना मैं बस थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 या 2 घंटे के लिए ना, मेरे शरीर में एक कंपन सी रही, मतलब जैसे बीपी लो हो जाता है ना, और चक्कर सा, और पूरे शरीर में ठंड सी लग जाती है, और हम कप कपी से कप कप आस जाते हैं। वैसा हो गया था डर के मारे मेरे साथ ना, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि अपना जीवन सबको प्यारा होता है ना, जान सबको प्यारी होती है, मौत भी हो लेकिन इतनी भयानक मौत बिल्कुल नहीं चाहिए थी मेरे को। तो फिर बस मम्मी ने क्या किया कि उनको बहुत सारी गालियाँ दी, मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया था ना, मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्से में मम्मी ने उनको बहुत सारा डांटा जो गद्दी वगैरह थे, कि अगर आपके कुत्ते इतने अग्रेसिव हैं तो आपने उनको खुला क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये तो हमारा भी रोज़ का ही आना जाना है इस एरिया में, यहाँ पे हम डंगर भी चुगाते हैं, छोटे बच्चे डंगर चुगाने आते हैं, अगर उनको कोई खा ही लेगा आपका कुत्ता तो कौन जिम्मेवार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके कुत्तों की। और तो मम्मी ने उनको धमकी दी कि हम आपकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा देंगे। पर उन्होंने, भैया वगैरह ने, अंकल वगैरह ने माफ़ी मांग ली कि नहीं नहीं भी आंटी जी, हम इनको रोज़ नहीं छोड़ते हैं, बहुत दिनों बाद छोड़ा था, आज थोड़ी देर के लिए, हमारे को पता नहीं था कि जंगल में कोई आ जाएगा एकदम से। तो बस फिर हम आ गए घर कष्टी लेके। तो बस 2-3 घंटे तो मेरा, मतलब मैं शांत नहीं हुई कुछ, अंदर से जो डर था ना मेरे अंदर, एकदम से घबरा गई थी ना जैसे। तो बस शाम जैसे कोई, मैं पर उस दिन मैंने ये महसूस किया कि ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, पर मैं लड़ी अपने लिए और मैं बच गई उस दिन। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आप 2 सीख ले सकते हैं। पहली,
अगर मैं मुसीबत का सामना नहीं करती, मैं भागने की कोशिश करती ना वहां से, तो कुत्तों ने मेरे को पकड़ ही लेना था और नोच ही लेना था, क्योंकि कुत्तों की स्पीड पता है कितनी ज़्यादा होती है, और वो भी गद्दी के कुत्ते इतने, उनकी जो नस्ल होती ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इतनी इतनी हाइट थी ना उनकी, और इतने लंबे लंबे बाल और इतने मोटे मोटे कुत्ते, उफ ऐसे हमारे सबके कुत्ते नहीं होते यहाँ पे, हमारे तो ऐसे होते नॉर्मली जैसे कुत्ते होते हैं, उनके कुत्ते बहुत दमदार होते हैं, उनको तो देख के डर है आदमी बब्बर शेर की तरह। तो पहले सीख तो ये कि मुसीबत का सामना करो और लड़ो, फाइट करो, और दूसरा ये कि लाइफ इज़ प्रेशियस, ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। उस टाइम मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, अभी तो लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है, और स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो रही है भगवान जी। वैसे ही होता ना कि हम एकदम से मुसीबत में आए हमारे सामने, तो हमारा दिमाग बातें करने लगता है फटाफट से भगवान से, डर के मारे तो भगवान से ही करता है बातें मुसीबत में तो भगवान ही याद आता है, बोलते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो वही बात है, दुख में हम भगवान जी को याद करते हैं सबसे पहले, तो वैसे मेरे साथ हो रहा था। तो दोस्तों लाइफ बहुत बहुत कीमती है, और ये हमें रोज़ महसूस नहीं होता है, हम तो हमें तो लगता है कि मेरी लाइफ बोरिंग है, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, लेकिन नहीं, लाइफ बहुत कीमती है, इसलिए इसे बिताओ मत, इसको जियो, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो और उसे अचीव करो, और बस इस ज़िंदगी के आनंद लो, और मत फिक्र करो किसी की कि चार लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, चार लोग जो है ना जो बोलेंगे उनको मारो गोली, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है। जैसे आपको पता ही होगा कि 84 लाख चुनियों को भोगने के बाद हम इंसान की जून पड़ती है हम आदमियों को, तो क्या पता अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, इसलिए भगवान ने इस धरती पे हमारे को भेजा है। तो यहाँ पे आनंद लो, अच्छा अच्छा भोजन खाओ, और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति सॉरी जो हमारी प्रकृति है ये, और हिमाचल तो शिव और शक्ति की भूमि है, तो हम तो बहुत ही अच्छी मतलब स्वर्ग जैसे में रहते हैं हम, तो बस जीवन के आनंद लो। और यही थी मेरी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताएं, और आपको मज़ा आया स्टोरी सुन के तो भी ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो ब्लॉग को लाइक भी ज़रूर करें, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।